फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है। आज हम तीन मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हम बताएंगे HDFC बैंक का स्टॉक प्राइस और कितना डिविडेंड पे करने वाला है। दूसरा, हम ICICI बैंक के जो है रिजल्ट्स देखेंगे किस प्रकार के रहे, क्योंकि अगर आप देखेंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक, तो ICICI बैंक के इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आने का कारण ये था कि उनका NPA में काफ़ी सुधार हुआ है और यही रीज़न है कि काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी निकल के आया है, वो भी हम देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर। और NPA क्या है बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, तो वो भी हम एक दो लाइन में बताने की कोशिश करेंगे। तो इन तीन चीज़ों पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। आज की डेट में यानी कि मंडे को मार्केट क्लोज हो चुकी है, 1369 की प्राइस पे बंद हो चुका है, 13 रुपये बढ़ के जो है बंद हुआ। साल का हाई लो देखते हैं, 1292 का लो टच कर चुका है, 1725 का जो है हाई रहा। जो वर्तमान वैल्यूएशन अगर देख लें, पी रेशियो इसका 19 का निकल के आ रहा है, प्राइस टू बुक रेशियो 3 का निकल के आ रहा है, डिलीवरी भी अच्छी खासी दिख रही है, 50% ज़्यादा की है। वर्तमान जो मार्केट कैप है 7,51,000 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड अगर देखें तो 15 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से इन्होंने अनाउंस किया है, और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 13 मई, यानी कि 13 मई तक, उस डेट तक आपके होल्डिंग्स में होने चाहिए। ICICI बैंक देखते हैं, 751 के प्राइस पे जो है क्लोज हुआ, और एक साल में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं करीब 30% के आसपास के रिटर्न्स। 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया उनको कुछ नहीं मिल रहा। वैल्यूएशन देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23 का, प्राइस टू बुक 3 का, डिलीवरी अच्छी खासी 64% के आसपास, मार्केट कैप 5,00,000 करोड़ से ज़्यादा की, 2 की फेस वैल्यू वाला है। हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड इनके इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो अगर साल दर साल देखें 2021 से 2022 में जो ब्याज से कमाई थी 89,162 करोड़ से बढ़ के हो गई 95,406 करोड़ की। उसके बाद अदर इनकम जो हो जाती है, क्योंकि कंसोलिडेटेड हम बता रहे हैं, कंसोलिडेटेड मींस कि जितने भी इनके सब्सिडरीज हैं, जो जहां जहां से इनको इनकम होती है, और भी जैसे कि फीस चार्जेस, अदर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो सारा कुछ मिला के इनका 62,129 करोड़, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले कम था, तो टोटल जो इनकम रही 1,57,000 करोड़ से ज़्यादा की रही, जबकि पिछले वर्ष थी 1,61,000 करोड़ की। प्रोविजन्स अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष इन्होंने किया था 16,377 करोड़ का, जबकि इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखते हैं तो 8,976 करोड़ का। इस प्रकार से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है वो 34,241 करोड़ का, जबकि पिछले वर्ष था 25,884 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट जो टोटल निकल के आया 25,784 करोड़ का, जबकि पिछले वर्ष था 20,220 करोड़ का। अब अगर हम क्वार्टर दर क्वार्टर देखते हैं, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में, तो जो टोटल इनकम रही वो रही 42,834 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में थी 39,865 करोड़ की, जो कि बढ़ के आई है। जो प्रोविजनिंग की इन्होंने पिछले क्वार्टर में थी 2128 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में हो गई 1,103 करोड़ की। और नेट प्रॉफिट रहा पिछले क्वार्टर में 6,959 करोड़ का, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 7,910 करोड़ का। नेट NPA भी देखते हैं आप, तो 0.85 जो पिछले क्वार्टर में था उससे कम होके हो गया 0.76। तो ICICI बैंक की परफॉर्मेंस यहाँ पे क्वार्टर दर क्वार्टर और साल दर साल काफ़ी अच्छी दिखी। अब आइए समझते हैं कि NPA क्या है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसका फुल फॉर्म है। अब बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकों का जो बिजनेस होता है वो लोन देना इनकी जो एसेट होती है वही है, और ब्याज से कमाई करते हैं। तो मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये इनसे जो है लोन लिया, और आपने करीब भरते गए EMI बनवा लिया आपने, और 40,000 तक आपने पे किया। थोड़े दिन बाद आपने लगातार 3 EMIs आपने नहीं पे की कि बैंक ने इस 60,000 के अमाउंट को ग्रॉस NPA में डाल दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं GNPA, ठीक है। अब चूंकि ऐसे केसेस में होता क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में बैंक को लगता है कि हमारे जो डाउटफुल लोन्स हैं कि फलां फलां जो है ये हो सकता है कि बैड लोन में कन्वर्ट हो जाएं, तो उस लिए वो एक कोटा या एक कह सकते हैं कि प्रोविजन के तहत कुछ फंड जो है निकाल लेती है, रख लेती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 20,000 रुपये प्रोविजन कर लिया। अब अगर हम 60,000 से 20,000 घटा देते हैं तो यहाँ पे 40,000 ये हो गया नेट NPA। तो आशा दोस्तों कि आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी। कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।